नमस्कार पशु पालक साथियों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं पशु मेले मंडी से, जमोगा में मेला चल रहा है, वहां से आप चिड़क मंडी से आज की वीडियो आपने शूट किया। एचएफ गाय है जो दूध में पहले नंबर पर रही है, अमित डांडा, सुखवीर डांडा, नरेश बैनीवाल, इन भाइयों ने देखो ये गाय सम्मानित की है, इन भाइयों का धन्यवाद करेंगे। तो पूछेंगे एक बार भाई से कितने दूध में भाई ने लाई है, तो इसके रिकॉर्ड एक बार सारे जानेंगे। तो आज भाई साहब आगे एक बार आज भाई ले भाई मिठा में करवा दे भाई, एक बार करवा भाई, तो करवा दे भाई, तो ताड़ी मार दे भाई। डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्रा। तो पहले नंबर पे भाई कितना दूध निकालिया भाई साहब? हाँ जी, कितना दूध निकालिया? अभी पूरा टोटल 73 कुछ है, 300 समथिंग आएगा, 73 कुछ है। ठीक है जी, तो इसकी मामू का रिकॉर्ड कौन से टीका किया है, बच्ची क्या है साथ में, वो कौन से टीके की? बस बछड़ा है जी, बछड़ा घर है। ठीक है, सीआरवी बिटीज दी है ये, सीआरवी कंपनी बिटीज C1 भी बैठा है। ठीक, पहले ये लगाई है, पहले भी लगी थी पे? नहीं, मेला पहली बार ली है, मेला पहली बार जीता है। ठीक है जी, कुरुक्षेत्र से है भाई, कुरुक्षेत्र जिले से, और करनाल कुरुक्षेत्र टच में होते हुए हैं, वहाँ पे काफी बड़ी एचएफ वहाँ पे मिलती हैं, क्योंकि उस एरिया में दम दे रहा, देख दे रहा। मानो पहले भी एशिया का रिकॉर्ड डीएलएफए की टीम भाई, जो डीएफए की टीम ने बनाया। तो आगे आते भाई, सालू भाई और मैं। ठीक है जी, इनके नाम है 80 लीटर 756 ग्राम, 80 लीटर 700, जो एशिया का रिकॉर्ड है, एशिया का रिकॉर्ड है। तो बधाइयां भाई ने, भाई बहुत बढ़िया रिकॉर्ड भाइयों ने खड़े किए हैं। और एचएफ एक ऐसी गाय है भाई साहब जो मुर्रा के बराबर में खड़ी होती है, मुर्रा इसके बराबर में वो खड़ी हो है। वो तो नकली दूध आज भी आंदा इन्हें बजट ऐड कर दिया होगा, क्योंकि ये पूरा कर दे रहा है थोड़ा बहुत, नहीं तो आज मरोड़े नकली चलता भाई। डेयरी फार्म रीड के डी है जो सच्चाई है, दूध की डेयरी का आज भी ना गुजारा नहीं होना, गुजारा नहीं होना, मैं कल ही मुर्रा बांध के वो कर लूंगा। नहीं ठीक है, 2 साल में फैल हो लेगा भाई, जे एचएफ नहीं है, एचएफ नहीं हो। तो ये बात थी भाई, सुखबीर ये कहना चाह रहे थे मैं भी, मैं तो भाई नवा डेयरी फार्म दे विच विच मान लो गावां दे नाल मध्या दे नाल नाल गावां भी दो तीन बहुत जरूरी है भाई। नहीं बहुत बहुत बधाई हो भाई, है ना भाई, हमारी तरफ से भाई जी, ਤੁਸੀਂ पशु पालकਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿੱਤਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਾਲਿਕ ਆ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਸਮੇ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਮਾਲਿਕ ਆ ਇਸਮੇ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਮਾਲਿਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਮਾਲਿਕ ਆ। वहां तो भाई देखो नौकर बन के काम करना पड़ेगा, रिश्तेदार का काम करना पड़ेगा। ये ऐसा रोजगार है जो हर जिम्मेदार नु साइड बाय साइड आरती को जान दो चाहता जी। डेली की डेली पेमेंट आई जाती है, डेली पेमेंट हो, डेली रोजगार चलना कर रहे हैं। चार बजे बाद तीन घर मारो पीछे आप ही से आप ही से आगे। अपना कल्ले काम करते हैं इस बिजनेस के बीच, अपना सारा परिवार भी इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व होता है, खुश भी रहता है, खुश रहता परिवार, हर परिवार भी आ बंदा काम करने वाला भी अपने परिवार से, परिवार तो छोड़ा नहीं है जी। हां जी, हां जी, क्योंकि अपने हरेक मतलब धी पुत दे आपां दुख सुख दे सांझे हां, परिवार दे दुख सुख दे सांझे हां। ते बाकी भाई जी तुहानूं किवें लग रहा है? बहुत वधिया लग रहा बाकी, धन्नवाद करांगा साडे यार भाई जी। नहीं अब की बार बढ़िया रहा जी, मनो रहा जीता है सभी सिकंदर हुआ है, लेकिन अब की बार और भी ज्यादा खुशी। बुड्ढा खेड़ा भाई, बुड्ढा खेड़ा वाला जी, जेड़े मान लो भी पहले की रेशमा भैंस भी पहले सुल्तान बोलता है इनके पास, सुल्तान बोल तो सारी वक्फ ने, ते तुसी जान सकदे हो। और वीर जी की हाल चाल ने जी, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਬੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਟੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
अनमोल रतन का बच्चा है वो, अनमोल रतन का। हाँ जी, अब जो आम फार्मर नहीं है, डीएफए है जो उसके प्रधान है ये। ठीक है, जो डीएफए की उसके प्रधान है। ठीक ठीक, तो बताइए इस बात की भाई, प्रधान दूसरा मेला पशु लेकर बड़ी खुशी की बात है। आपस में संस्था के प्रधान दूसरे मेले में पशु लेकर जाना पसंद नहीं करते, टांग खिंचाई करते हैं, टांग खिंचाई करते हैं, एलर्जी मानते हैं। ठीक है, तो टांग खिंचाई मतलब भाई फायदे नहीं कुछ कहूँ, मेले लगन गए रोजगार मेले बंदियों के साथ में दिल्ली बड़ी है। अच्छा, अब जे प्रधान दूसरी कमेटी वाले सोचेंगे ना इसमें नहीं लेके जाने, उसके पशु कम आएंगे, मेला फैल होगा, तो ये देखो भाई आपस में शौक करो, सारे मेले कामयाब होंगे, लोगों में शौक बढ़ेगा, शौक बढ़ेगा। ठीक है जी, बात सिंचाई ना करो एक दूसरे, इस बात में तीन चार कमेटियां प्राइवेट डी एफ होगी दोनों लागी होगी, मतलब ये कमेटी बनगी, हो सके मतलब कोई तीनों चार कमेटी मिलकर नेशनल का भी मेला करा सके, यदि इनकी सोच अच्छी हो तो। नहीं, सोच मेला करा सके मतलब जो विदेशा में देखने जावे गाय का भी और मुर्गा का भी, उस सत्र पे करवा सके, मतलब पशु कोई भी किसान वीर पिछड़े हुए सी जिवें मेले हो रहे ने, पशु पालक वीर मेलिया नाल एप्रीशिएट करते ने, धन्यवाद करांगे वीडियो देख रहे, तो बधाईयो भाई ना, राम राम, सत श्री अकाल भाई, सारे भाइयों ने ये भाई बुस्टिन कप चैंपियन फार्मूला के नाम था, ये अपना 15 दिन तक अपने कटड़न देन लग रहे हैं भाई, 15-20 दिन हो गए होंगे। देखो पहला दिए वो भी प्रोडक्ट बढ़िया थे, लेकिन अब देने लग रहे हैं बुस्टिन का भाई, इसका रिजल्ट अपन बहुत अच्छा मिला, कटड़ा पे ग्रोथ ग्रांथ भी अच्छी हो रही है, उस पर लगे भी दिखाए थे उसकी भी बहुत अच्छी हो रही है, और ये देखें भाई इसमें सारी चीजें लिखी हुई है भाई, रूमन का विकास, फास्ट ग्रोथ, खून की कमी, सब चीजें पूरी कराए पशु में, और यो अपन नॉर्मल कंपनी का अपन इसी दाने में मिला के दे भाई, अच्छा रिजल्ट है भाई। जिस भी भाई ने देखो इनका ये टोल फ्री नंबर है, जिसने जानकारी लेनी हो इनसे संपर्क कर लियो, और बाकी जानकारी जैसी भी है वो अपन दे दी है भाई, सभी भाइयों का धन्यवाद। नमस्कार पशुपालक साथियों, आज का वीडियो लेकर आए हैं चिड़क मंडी पंजाब से, मोगा में पास में लगता है चिड़क मंडी, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे कुछ भाइयों ने पहले भी कहा था भाई यहाँ पे मेला लगना हट गया था, जैसे सनी भाई ने यहाँ पे चलो एक अच्छा मेला भाई ने करवाया, तो बहुत बढ़िया मेला, और जो जर्सी गाय है सुखबीर भाई है, अमित डांडा है, तो सुरेंद्र है, नरेश है, बूढ़ा खेड़ा बैनीवाल, तो ये इस गाय को सम्मानित कर रहे हैं, वे जर्सी गाय हैं, बाकी बात जो इनके मालिक साथ में खड़े हैं थोड़ा एक बार उससे बात करांगे, तो मिठा मुँह करवा दे, ताड़ी मार दे करो साथ में ताड़ी साथ मार दे, तो राम राम भाई साहब, राम राम जी, तो अपना कौन सा पिंड है जी, जिला कौन सा? मेरा नाम अमरजीत सिंह। ठीक है जी, पिंड चीवना, जिला लुधियाना। जिला लुधियाना, लुधियाना। तो कितना दूध निकाला जिस बछड़ी ने? तकरीबन 48 किलो 400 ग्राम दूध, 48 किलो 400 ग्राम जी। कौन सी कैटेगरी में, जर्सी है कौन सी गाय? जर्सी में जी। ठीक है जी, बच्चा बुच्चा के इसके साथ में? बच्चा इसका घर में है और बछड़ी है। ठीक है, कौन से ब्यात में की बार ये? इस बार ये पांचवे ब्यात में। पहले भी कहीं दूध निकाला इसने जाके मेरे पे? ये तो मेरे बेटा जी, मेरा बेटा डॉक्टर है। ठीक है जी, उनको ही मालूम है, उनको ही मालूम है, उनसे बोलती है। नहीं नहीं ठीक है, तो बहुत सारी मेहनत कर रहे, बहुत बहुत बधाई हो आपको। कितना चिर हो गया सुई नो जी? तो सुई नो हो गया जी, मेरे तकरीबन 2 महीने दी सुई है, पीडीएफ में लेते भी है। अच्छा जी, पीडीएफ में लेते केड़े नंबर ते आई है जी? ओ अच्छा जी, दा बीमार हो गई सी, ओथे 5वें नंबर ते आई सी। अच्छा, हुन इत्थे लेके आए? हुन इत्थे दोबारा लेके आए हैं, हुन दूसरी ते आई जी? तो बधाई के पात्र होते हैं जो किसान, आम किसान है। देखो पीछे अपन जर्सी गाय भी अपन सम्मानित करी है सुखबर भाई ने, पीछे नीली रावी भैंस भी करी है और मुर्रा भैंस भी करी है इस भाई ने। तो ये हम देखो सलाह की बात और कुछ नहीं, वो गयागरानी नाम की तो था पिला दे, हुआ भी बहुत हुआ, भी बहुत हुआ। ठीक है जी, हमने क्यों सब भाई हमने करा, हमने भी खुशी हुआ है, तो अपना ही फर्ज बना गई, फर्ज बना। ठीक है बात, तो काफी बढ़िया इस भाई का सहयोग रहा है, एक अच्छी टीम लेकर सुखबीर भाई भी साथ में चला है, तो इसका मैं धन्यवाद करूंगा। और मेरे हरियाणा का तो देखो भाई ने काफी बढ़िया नाम कमाया और एक अच्छा काम कर हरियाणा के अंदर। नहीं बहुत बढ़िया भाई,
और कुछ सुखबीर भाई गाय के बारे में जानना चाहते हैं? धन्यवाद, वैसे और कुछ नहीं, धन्यवाद जी। तो सुखबीर भाई ने भी चलो एक बात और कहना चाहूंगा मैं, गाय से भी काम स्टार्ट किया था सुखबीर भाई, तो आप भी आज देखो गाय वाला थोड़ा अपना भी इतनी घाट मेहनत बना, ये थोड़ा ज्यादा का लगा, मैं सारा सेला लाग जी, नहीं ठीक है बात, ठीक है।